राहुल के पीएम की दावेदारी से किस किस को लगा जोर का झटका? आखिर कांग्रेस अध्यक्ष के एक तीर से कौन कौन हुआ घायल? 2019 आम चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन कई विपक्षी दलों के अंदर खाने पीएम बनने की होड़ भी मची हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने आप को इस रेस में सबसे आगे खड़ा कर राजनीति के बड़े दिग्गजों की उम्मीदों को मटियामेट कर दिया है। दरअसल मिशन 2019 के लिए एक ओर जहां कांग्रेस अपनी अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की कवायद में जुटी है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने घर पर विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन कर विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इसके अलावा ममता बनर्जी भी गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी वाले तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने अपनी इस कवायद के तहत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस को दो टूक संदेश भी दे चुकी हैं कि अगर कांग्रेस तीसरे मोर्चे में आना चाहती है तो इसके लिए उसे नेतृत्व का मोह त्यागना होगा, यानी ममता को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं है। अब बात मायावती की, जो कई विपक्षी दलों को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुटी हैं। यूपी में अखिलेश, कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी और हरियाणा में INLD से उनके गठबंधन के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, INLD नेता अभय चौटाला तो 2019 के लिए मायावती को बतौर पीएम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जहां तक NCP प्रमुख शरद पवार की बात है तो वो भले ही खुलकर बोलने से बच रहे हों, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी भी नहीं है। शायद यही वजह है कि राहुल की दावेदारी पर उन्होंने ये कह दिया कि अभी से ये कहना ठीक नहीं। बकौल पवार, जब बाजार में तुअर दाल बिकने आती है तो हर दाना कहता है हम तुमसे भारी, लेकिन कीमत का पता तो बिकने पर ही चलता है। इसके अलावा SP प्रमुख अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि देश के पीएम के नाम का फैसला चुनाव के बाद ही होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे सियासी राहु केतु हैं जो राहुल गांधी की पीएम बनने वाली कुंडली में पहले से मौजूद हैं, लेकिन राहुल ने अपने एक बयान से इन सभी को जोर का झटका दे दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।